नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच जिस तरह से सीबीआई की टीम और एनसीबी की टीम कर रही थी, अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जी हां दोस्तों, अब सलमान खान के समेत 8 बड़े ऐसे बॉलीवुड हस्ती हैं जिनको कोर्ट ने नोटिस जाहिर कर दिया है। आखिर वो नोटिस क्या है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। बताया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के साथ साथ 6 बड़े लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसी में अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड स्टार सलमान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके साथ साथ 8 बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं, उन्हें भी अब गिरफ्तार किया जाएगा। आखिर कोर्ट ने ये नोटिस जारी कर दिया, सलमान खान तक वो नोटिस पहुंचा दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब सलमान खान से भी पूछताछ हो सकती है। मैं आपको बता दूं, सीबीआई की टीम और एनसीबी की टीम जब इस बात की जांच कर रही थी, रिया चक्रवर्ती से काफी पूछताछ होने के बाद रिया चक्रवर्ती ने आखिरकार सलमान खान का नाम कबूलनामा कर ही लिया है। बताया जा रहा है रिया चक्रवर्ती के द्वारा कि उसके पीछे बहुत सारे लोगों का तो हाथ था, लेकिन सलमान खान का भी कुछ सपोर्ट था। उन्होंने साफ साफ ये बात जाहिर नहीं की है कि सुशांत सिंह राजपूत केस के पीछे सलमान खान का हाथ है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को ये बता ही दिया कि कहीं ना कहीं सलमान खान का भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ जरूर है, जिसको लेकर अब कोर्ट का एक बड़ा नोटिस जो कि सलमान खान को मिल चुका है। आपको मैं बता दूं कि आखिर कोर्ट ने जिन बड़े बॉलीवुड एक्टर्स को नोटिस भेजा है, उनमें से सबसे बड़ा नाम सलमान खान, करण जौहर, अरबाज खान, सूरज पंचोली के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब कोर्ट ने नोटिस जारी कर ही दिया। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस है वो अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। इसमें बहुत सारे ऐसे गुनहगार थे जिसको अब सजा मिल चुका है। उसके साथ साथ जो लोग भी अब बचा हुआ है, उन्हें भी अब सजा जरूर मिलेगी, जिसमें अब सलमान खान को काफी घसीटा जा रहा है। क्या सलमान खान इसी सब को लिए भारत छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाने की कोशिश कर रहा था, जो कि कुछ दिन पहले भी ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था कि सलमान खान अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, करण जौहर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वो एयरपोर्ट पर देखा गया था उन्हें। आखिर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र छोड़ने की इतनी जल्दी इन लोगों में क्या थी? क्या सीबीआई के नजर से बचने के लिए सलमान खान और करण जौहर जो कि भारत छोड़ना चाहता था, अब कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर सीबीआई की टीम सलमान खान से पूछताछ करेगी, करण जौहर से पूछताछ करेगी, उन सभी लोगों से पूछताछ करेगा जो लोग कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़ा है। अब देखने वाली बात है कि क्या कोर्ट और सीबीआई की टीम सलमान खान को गिरफ्तार करती है या नहीं, क्या अरबाज खान, करण जौहर ये लोग गिरफ्तार होते हैं कि नहीं। अगर ये लोग गिरफ्तार होते हैं तो पूरा का पूरा बॉलीवुड क्रैश हो सकता है, पूरा बॉलीवुड बंद हो सकता है, जिसमें बड़े बड़े हस्तियों का नाम जो आया है ये लोग भी अब बर्बाद हो सकते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि सीबीआई टीम कब जाके ये बात बड़ा सबूत सामने लाती है, कब जाके ये अपडेट सामने लाती है कि आखिर सलमान खान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे इसके बारे में कुछ नया अपडेट सामने आएगा, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।